हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कैंपेन मैनेजर में जो यूज़ होती हैं, उनको हम किस तरह से स्टडी करते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एक्चुअली अभी यहाँ पर मैं एक अकाउंट में हूँ, एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर में हम आए। यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स मिल रही हैं, मैनेजमेंट, ड्राफ्ट, सेटिंग्स, हिस्ट्री। ड्राफ्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई कैंपेन क्रिएट किया और लेट्स से आप उसको किसी वजह से लॉन्च नहीं कर सके, या अभी आपने उसको लेटर ऑन एक्टिव करना है, तो आपने उसे सेव कर दिया, तो लेट आप अब कैंपेन आपकी रेडी है। जब भी आपको इसे एक्टिवेट करना होगा, वापस ड्राफ्ट में आएंगे, यहाँ पर वो कैंपेन मौजूद होगी और आप उसको लॉन्च कर देंगे। सेटिंग में आपको दो तरह के एक्चुअली कैप्स मिल रहे होते हैं कि आप कैंपेन लेवल बजट लगाना चाहते हैं या आप डेली बजट कैप लगाना चाहते हैं। तो आप बजट कैप यहाँ पर लगा सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप डेली बजट कैप का ऑप्शन कभी यूज़ नहीं करें, कैंपेन लेवल बजट यूज़ करें। इसमें क्या होता है, लेट्स से मैंने $20 बजट रखा हुआ है फॉर ईच कैंपेन, तो वो पर्टिकुलर हर कैंपेन का बजट देखेगा। अगर मैंने ये फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, वो यूज कैंपेन लेवल बजट, जैसे ही मेरी कोई एक लेट्स से 5 कैंपेन्स हैं, उनमें से 2 कैंपेन आउट ऑफ बजट होने वाली हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं कैंपेन को ऑफ करेगा। लेकिन जब मैंने यूज डेली बजट कैप लगाई होगी, और यहाँ पर मैंने $100 लेट्स से लिख दिया, अब क्या करेगा, उसने $100 बजट लगा देना है कैंपेन्स पे। अगर एक कैंपेन आउट ऑफ बजट हो गई है, तो वो दूसरी कैंपेन का बजट यूटिलाइज कर लेगी। आउट ऑफ बजट में जो कैंपेन हमारी आउट ऑफ बजट होने जा रही है, वो कैंपेन दूसरी एक्टिव कैंपेन का बजट यूज कर सकती है। तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज कैंपेन लेवल बजट रादर देन यूज डेली बजट कैप। हिस्ट्री में आपको बताते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन सी कैंपेन में क्या क्या चेंजेस की, पर्टिकुलर कौन सी डेट पे की आपने, बिट उसकी चेंज की है, आपने उसकी टॉप ऑफ सर्च चेंज की थी, पहले वो क्या थी और आपने उसको क्या चेंज कर दिया। डेट के साथ आपको वो सारा डेटा मिलता है जब जब आपने वो चेंजेस की होती हैं कैंपेन हिस्ट्री में। जी, अब आ जाए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक्चुअली ये हम यूज करते हैं फोल्डर बनाने के लिए। एक्चुअली इट्स अ फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्लाइंट मिला और उसने आपको कहा कि ये मेरी 1000 SKUs हैं और मैं आपको इस 1000 SKUs के PPC ऑप्टिमाइजेशन का टास्क दे देता हूँ, प्रोजेक्ट दे देता हूँ, लेकिन मुझे अपना कुछ रिजल्ट दिखाओ, मुझे ये 2 SKUs हैं, जरा इन पे रिजल्ट दिखाओ और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी कैंपेन्स भी दे दूंगा, बाकी SKUs भी दे दूंगा। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे और उन 2 SKUs को इसमें टारगेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख दूंगी टेस्ट, ठीक है, क्रिएट पोर्टफोलियो। राइट, जी अब ये देखें, ये प्रोजेक्ट ए मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया पोर्टफोलियो। अब इससे क्या होगा कि मैं नई कैंपेन्स यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ, प्लस मैं एग्जिस्टिंग कैंपेन्स जो ऑलरेडी इस अकाउंट में हैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा, अब मेरे पास अगर 1000 SKUs इस अकाउंट में ऑलरेडी थी, अब मुझे क्लाइंट ने दिए सिर्फ 2 SKUs, अब मैंने उन 2 SKUs से पर्टिकुलर यहाँ पर काम स्टार्ट किया है। अब जब मुझे उसको डाटा दिखाना होगा, मुझे उसे अपनी आउटपुट दिखानी होगी, तो मैं सिंपल कैंपेन में जाऊंगी और मुझे उन 1000 SKUs में से वो कैंपेन्स नहीं फाइंड आउट करनी पड़ेंगी जिन पर मैं काम कर रही हूँ। मैं सिंपल इधर प्रोजेक्ट ए में जाऊंगी और इसे ओपन करके मैं दिखा दूंगी कि हाँ भाई, ये मेरी कैंपेन्स है और ये इसका रिजल्ट है। इस तरह से आप अपनी भी SKUs को, अगर आपके पास वेरिएशन है, आप यहाँ पर उसको फोल्डर में कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैंपेन्स को, कि हर प्रोडक्ट के लिए आप एक पोर्टफोलियो बना लें और उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर सारी कैंपेन्स सिर्फ उसी फोल्डर के अंदर हो। तो इस तरह से बहुत कन्वीनियंटली आप देख सकते हैं कि ओके, ये मेरी स्पैचुला की प्रोडक्ट है, ये मेरी ब्लैंकेट की है, और ये मेरी डिफरेंट जो भी मेरी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, साइट पर मुझे फोल्डर्स मिल रहे हैं वन बाय वन। जिस प्रोडक्ट के कैंपेन का एनालिसिस करना चाहती हूँ पर्टिकुलर, सिर्फ उस प्रोडक्ट का ही फोल्डर ही ओपन करूंगी। तो दिस इज हाउ पोर्टफोलियो है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बाकी जो कैंपेन में टर्म नजर आ रही होती हैं इनका क्या मतलब है। सबसे पहले आप देखिए स्पेंड। स्पेंड का मतलब है कि कितनी कॉस्ट आप लगा चुके हुए हैं, ये आपको ओवरऑल इस अकाउंट की बता रहा है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी कैंपेन की देखनी हो, तो आप ये नीचे देखें, हर कैंपेन के अगेंस्ट आपको उसकी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, उसका बजट और क्लिक CPC, पिक थ्रू रेट और कॉस्ट सब कुछ नज़र आ रहा है।
अभी ये सिर्फ मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि इन टर्म्स का मतलब क्या। स्पेंड का मतलब है कि कितनी कॉस्ट अभी आप इस पर लगा चुके हैं। इंप्रेशंस का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स समवन एक्चुअली सी योर कैंपेन योर एड। क्लिक आपको कितनी क्लिक आए, कितनी बार कस्टमर ने क्लिक किया, क्योंकि जितनी बार आपकी एड स्पॉन्सर हुई है इंप्रेशंस उसके आए हैं या कस्टमर ने शॉपर ने देखे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो क्लिक भी हुआ है। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, आपको पर क्लिक कितनी कॉस्ट पड़ी है। तो अभी इस अकाउंट पर जितने भी कैंपेन चल रही हैं एवरेज आपको पर क्लिक कॉस्ट जो है 46 सेंट्स पड़ रही है। क्लिक थ्रू रेट, ओके क्लिक थ्रू रेट होता है कि आपके लाइक ज़रूरी नहीं है कि ये अगर बहुत अच्छा है तभी आप इसको ग्रीन सिग्नल मानेंगे किसी कीवर्ड के गेंस या किसी कैंपेन के गेंस। समटाइम ऐसा होता है कि कोई कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है तो उस पर आपको क्लिक्स तो आ रहे होते हैं तो लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर कन्वर्जन नहीं हो रही होती है तो लिंक पर सेल्स आप एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सेल्स यू आर गेटिंग द सेल्स लेकिन क्लिक थ्रू रेट बड़ा ख़राब होता है। तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ पर उस कीवर्ड को नेगेटिव कंसिडर करें या हम कहें कि नहीं इस कीवर्ड में हमें काम नहीं करना चाहिए। तो सर्च वॉल्यूम अगर हाई है तो क्लिक थ्रू रेट आपका ख़राब हो सकता है बट एज फार एज इफ़ यू आर गेटिंग सेल्स अगेंस्ट दैट कीवर्ड तो फिर हम उसको एक्टिव रहने देंगे। सेल्स आप कि क्या मतलब इट्स नॉट अबाउट द रेवेन्यू इट्स अबाउट द सेल्स कि आपने इतने स्पेंड की और उस पर क्या सेल्स बनाई, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए आपने। अकाउंट इज लाइक इट्स एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कि आपकी स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स। अब यहाँ पर देखें आपकी स्पेंड क्या है 23.93 डिवाइडेड बाय 1096.04 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपका आ जाएगा 21.34%। अकॉज और जो हमारा आर ओ एस होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। अकॉज का जितना आपका लोअर नंबर होगा उतनी ही अच्छी आपकी कैंपेन कंसिडर की जाती है और इस तरह से अगर आर ओ एस आपका जितना अच्छा नंबर होगा इसके रिवर्स जितना ही अच्छा नंबर होगा कैंपेन उतनी अच्छी कंसिडर की जाती है। तो 4.69 का मतलब है इट्स एक्चुअली अपोजिट ऑफ अकॉज तो सेल्स डिवाइडेड बाई स्पेंड 1096 डिवाइडेड बाई 233 तो ये आपके पास आ जाएगा 4.69। 4.69 का मतलब है कि आपने 4.69 टाइम्स मनी बनाई है अगेंस्ट दिस एड स्पेंड। तो यहाँ पर ये आपकी एक्चुअली सेल्स बता रहे हैं कि आपने 4.69 टाइम्स सेल्स बनाई है अगेंस्ट दिस एड स्पेंड। रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। तो दीज आर द जनरल टर्म्स। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये देखिए आप यहाँ से फिल्टर लगाकर देख सकते हैं कि ओके मुझे वो कैंपेन्स दिखाओ जो मेरी मतलब लाइक जो आउट ऑफ बजट होने जा रही हैं, सिर्फ वो वाली कैंपेन मुझे फिल्टर करके दिखा दो और या मुझे इंप्रेशंस के सॉर्ट करके कैंपेन्स जो हैं वो दिखा दो। तो ये सिर्फ इट्स एक्चुअली जस्ट अ फिल्टर। यहाँ पे हम एक्टिव स्टेटस करके सिर्फ वो कैंपेन्स दे सकते हैं जो एनेबल और बाकी सब ऑफ हैं। अब यहाँ पे कॉलम्स में क्या होता है, आप कस्टमाइज करके आप क्या देख सकते हैं कौन कौन से कॉलम्स आपको एक्चुअली हर कैंपेन में कौन से कॉलम है जो सामने टेबल के फॉर्म में चाहिए। बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको देखनी है, स्टार्ट डेट क्या, एंड डेट क्या। एंड डेट एक्चुअली इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरली हम एंड डेट पुट करते नहीं हैं। कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी वो हमने कैंपेन का नाम जो बड़ा सही से एक्यूरेट स्ट्रक्चर में लिखा होता है कि लाइक प्रोडक्ट का नाम और उसके बाद कैंपेन का नाम फॉर एग्जाम्पल ऑटो और फिर उसके बाद क्लोज उसकी मैच टाइप भी। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी हम डाउन ओनली ही जनरली रखते हैं तो समहाउ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इफ़ यू वांट टू कंसिडर दिस पॉइंट एज वेल तो फिर आप इसको भी इनेबल करेंगे। बजट इंप्रेशंस क्लिक्स क्लिक थ्रू रेट स्पेंड दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जिनको आपको ऑन करना होता है और ये फिर आपके पास सामने टेबल के फॉर्म में आ जाते हैं और आप इसको कन्वीनियंटली मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद है डेट रेंज लाइफ टाइम। यहाँ पे आप अगर आज का डेट देखना चाहते हैं टुडे के लिए, अगर आप पर्टिकुलर किसी भी डेट का स्टैट्स देख लाइक फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 12 नवंबर का स्टैट्स देखना चाहती हूँ तो मैं 12 पे क्लिक करूँगी एंड सेव तो मुझे सिर्फ अब 12 नवंबर के ही डाटा दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने लास्ट 30 डेज के देखने हैं या लास्ट मंथ के देखने हैं लाइफ टाइम देखने हैं तो ये सारे मुझे स्टैट्स यहाँ से दिखा देगा। पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ से मैं फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ। अब हम देख लेते हैं कि ये एक कैंपेन है और इसके अंदर कौन से टर्म्स है जो यूज़ होती हैं।
जो मैंने कैंपेन ओपन की, यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से टैब्स आ रही हैं, प्लेसमेंट, नेगेटिव टारगेटिंग, कैंपेन सेटिंग, हिस्ट्री। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये आप सिर्फ इस ये आपको सिर्फ उस कैंपेन का डाटा दिखाएगी कि आपने कब इसकी बिड चेंज की, कब आपने इसकी प्लेसमेंट चेंज की, वट एवर चेंजेस यू मेड इन दिस कैंपेन, विद इन दिस कैंपेन, ये आपको यहाँ पे हिस्ट्री पे शो हो जाएगा। कैंपेन सेटिंग में आपको बताते हैं कि आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या है, और आप कि बजट आपने क्या अप्लाई किया हुआ, डेट कब स्टार्ट हुई थी, पूरे ही आपको अपने एक कैंपेन का ओवरव्यू दे देता है। नेगेटिव टारगेटिंग बताते हैं कि कौन से कीवर्ड्स आपने नेगेटिव में डाले हुए हैं, और इफ यू वांट टू ऐड सम नेगेटिव कीवर्ड्स तो आप ये टैब यूज करते हुए नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। प्लेसमेंट में आपको बताते हैं कि आपके एक्चुअली ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, टॉप ऑफ स्पॉट से आ रहे हैं, प्रोडक्ट पेजेस से आ रहे हैं, या अदर सर्चेस से आ रहे हैं, और जहाँ पे आपको अच्छी सेल्स आ रही होती हैं या जहाँ पर आप फोकस करना चाह रहे होते हैं, आप वहाँ पर अपनी परसेंटेज हाई पुट कर सकते हैं। और इस तरह से डिफरेंट एड ग्रुप्स आप अपने प्रोडक्ट के यहाँ पर अपने इस कैंपेन के देख सकते हैं कि ओके अगर इस कैंपेन में वन से ज़्यादा एड ग्रुप हैं तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ जाएंगे, अब इस कैंपेन में वन एड ग्रुप है तो यहाँ पर आपको वन नज़र आ रहा है। These are the general terms for the from the campaign manager.